हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ आज का डेट में कतर से आने वाले कुछ सारे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो का लास्ट तक बन रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंस के बारे में भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और ऐसे ही कतर के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे दो छोटा छोटा लेटेस्ट अपडेट आ रहे, उसको बताने के बाद मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इंडियन एम्बेसी से यहाँ पे क्या अनाउंस किया गया है। ओके, तो यहाँ पे कतर पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी मतलब अजगल की तरफ से यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि 6 अगस्त मतलब फ्राइडे रात 12 बजे से मतलब 12 एम से 10 अगस्त मतलब ट्यूसडे सुबह का 5 बजे तक मतलब 5 एम तक यहाँ पे कॉर्निस स्ट्रीट को यहाँ पे बंद रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे काम चल रहा है। तो काइंडली अगर आप लोग उस रास्ते से कहीं पे जाने के लिए सोच रहे तो थोड़ा ध्यान में रखिए, इस डेट में आप लोग उस रास्ते से जाना थोड़ा अवॉइड कीजिए। ओके, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे आ रहा है एचएमसी कतर की तरफ से मतलब हमाद मेडिकल कॉर्पोरेशन ऑफ कतर की तरफ से। यहाँ पे हमाद मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से यह अनाउंस किया गया है कि कतर में 3 न्यू मोबाइल ब्लड डोनेशन यूनिट यहाँ पे ओपन किया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल इवेंट इंक्लूडिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022, ताकि यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्सीडेंट या तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में कतर में ब्लड का कमी ना हो, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे ब्लड को ऑलवेज स्टोरेज में रखा जा सके। ओके, अभी मैं आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने वाला हूँ जो कि इंडियन एम्बेसी ऑफ कतर की तरफ से किया गया है। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ऑफ कतर की तरफ से फिर से एक ओपन हाउस का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है 29th ऑफ जुलाई में। यहाँ पे बताया गया कि जितने सारे यहाँ पे इंडियन वर्कर्स कतर में काम करता है, अगर आप लोग का साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप लोग जहां पे काम करते हो वहां पे अगर लेबर लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, आप लोग को किसी भी टाइप का टॉर्चर किया जा रहा है, या तो भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग जेन्युइनली फेस कर रहे हैं, तो 29th ऑफ जुलाई यहां पे फिर से एक ओपन हाउस का आयोजन किया गया है, जिसमें अगर आप लोग चाहे तो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पे आप लोग डायरेक्ट वहां पे इंडियन एम्बेसी में जाके वॉक इन में यहां पे विजिट कर सकते हैं। इसका टाइमिंग्स है दोपहर का 3 बजे से 4 बजे का अंदर, आप लोग 3 बजे से 4 बजे का अंदर वहां पे जाके बात कर सकते हैं। वहां पे इंडियन एम्बेसडर खुद आप लोगों का बात वहां पे सुनेंगे और वहां पे उसका सॉल्यूशन भी देने का कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग वहां पे जाके अटेंड नहीं कर सकते तो आप लोग बाय कॉल या तो फिर जूम मीटिंग के द्वारा भी इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। इसका टाइमिंग्स है दोपहर का 4 बजे से शाम 5 बजे तक। ओके, इसका अंदर ही आप लोग को आइदर फोन कॉल या तो फिर जूम मीटिंग के द्वारा आप लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। जूम मीटिंग का मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड यहां पे मैं स्क्रीन में आप लोग को शो कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहे, अगर आप लोग का पास कोई जेन्युइन रीजन हो आप लोग के एम्प्लॉयर के खिलाफ, तो आप लोग यहां पे कॉल करके इसका कंप्लेन दर्ज यहां पे कर सकते हैं। ओके, मगर ध्यान रहे ये जो कंप्लेन आप लोग करेंगे ये जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी माइंड में आया आप लोग वहां पे फोन करके बता दिए। अगर आप लोगों के साथ जेन्युइनली कुछ गलत हो रहा है तो ही आप लोग यहां पे कंप्लेन कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहां पे नेक्स्ट अनाउंसमेंट इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या किया गया है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट में इंडियन एम्बेसी से ये कहा गया है, पिछले कुछ दिनों से बहुत लोगों का एट्रस ऐप में रजिस्ट्रेशन यहां पे फेल हो गया था, अप्रूव नहीं हुआ था, इसीलिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में ये न्यूज स्प्रेड कर दिए थे कि अभी क्वारंटाइन पॉलिसी फिर से चेंज हो गया है। तो यहां पे इंडियन एम्बेसी से ये साफ साफ बता दिया गया कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा था वो टोटली एक टेक्निकल इशू था। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वारंटाइन पॉलिसी में चेंज आ गया है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हूं कि अभी का क्या क्वारंटाइन पॉलिसी है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो यहां पे आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप लोग ये वीडियो के बाद उस वीडियो को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहां पे ये भी बताया गया कि आप लोग किसी भी टाइप का फेक न्यूज में भरोसा ना करें। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप में ऐसा टाइप का फेक न्यूज समय से स्प्रेड होते रहता है, तो काइंडली आप लोग किसी के बात में भरोसा ना करके डायरेक्ट एमओ पेज कतर साइट में जाके लेटेस्ट क्वारंटाइन पॉलिसी वहां पे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग इन्फोगल्प चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग का एट्रस ऐप में प्री रजिस्ट्रेशन यहां पे अप्रूव नहीं हो रहा है या तो फिर रिजेक्ट हो जा रहा है, तो यहां पे आप लोग फिर से यहां पे ट्राई कीजिए। आप लोग 2-4 बार करेंगे तो यहां पे अप्रूव्ड हो जाएगा, रिजेक्शन नहीं आएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे क्वारंटाइन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ गया है। क्वारंटाइन पॉलिसी में अभी तक जो चेंजेस था वही चेंजेस अभी तक उसको फॉलो किया जा रहा है, और इसके ऊपर अगर कुछ चेंजेस आता है तो उसी दिन मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और ऐसे ही कतर के बारे में डेली जेन्युइन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।